क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया था हमने? सर मैं एग्जाम्पल कर लूं। कौन सा एग्जाम्पल? हाँ उसका एग्जाम है सर, तो मैं उसके लिए क्वेश्चंस कर लूं। कर लो, फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लोगे ना। हाँ चलो कर लो। तुमने डाउट भी है तो आप हाँ डाउट बताओ बताओ डाउट। बहुत सारे अलग अलग बुक्स हैं ओके सर, कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी एनसीईआरटी का 19th क्वेश्चन। एनसीईआरटी पेज नंबर 160। बोलो क्वेश्चन नंबर। 19 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सभी बच्चे करो इस क्वेश्चन को, एक्स माइनस, हमें ये शो करना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एवरी इंटीजर, सारे इंटीजर्स के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सारे इंटीजर्स के लिए तो हम शो करके दिखा नहीं सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, कोई एक जनरल इंटीजर लेते हैं, लेट ए बिलोंगिंग टू जेड बी एनी इंटीजर, ए इज एनी इंटीजर। ठीक है, ए क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, तो हम ए के ऊपर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए कोई इंटीजर है तो एफ ऑफ ए क्या आएगा, ए माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो खुद वही होता है। टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे आप तो टू ही आएगा, फाइव का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो फाइव ही आएगा, एंड सो ऑन। तो किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इंटीजर इटसेल्फ ही होता है। ठीक है, तो ये है ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो आ गया, तो इस फंक्शन की वैल्यू आ गई जीरो। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, कहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू ए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, जहान बता सकते हो कैसे होगा? हाँ सर, सर हम लिखेंगे सर ए ए तो ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब x के जगह रखेंगे a माइनस h, सर a माइनस h वही सर, तो अब लिखेंगे lim h जीरो फिर a माइनस h फिर उसके ब्रैकेट के अंदर a माइनस h ब्रैकेट खोल सकते हैं इस, ये तो a माइनस h ही रहेगा और हाँ, ये तो क्या उसके बाद होगा, माइनस माइनस a प्लस h, नहीं बेटे नहीं, ये कोई ब्रैकेट नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है। अच्छा ओ, तो फिर तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, अगर ये इंटीजर हो तो a माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, देखो a कोई इंटीजर है जैसे कि 2 माइनस h कोई बहुत छोटा नंबर है, ये कितना आ गया 1.999, ये आएगा 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है अनिरुद्ध, 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा माइनस में, तो 1, देखो आपने किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला, 2 माइनस एच का निकाला है, 2 माइनस एच का 1 आया, 3 माइनस एच का निकालोगे तो 2 आएगा, 4 माइनस एच का निकालोगे तो 3 आएगा, तो ए माइनस एच का क्या होगा, ए माइनस 1 होगा, लेकिन कब, जब ए आपका इंटीजर हो तब की बात है, ये हर जगह अप्लाई मत कर देना इसको, ठीक है, ए अगर इंटीजर है तो ए माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ए होगा, सॉरी ए माइनस 1 होगा, तो ये आएगा ए माइनस 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ए माइनस एच माइनस ए प्लस 1, ये दोनों कट हो गए, दिस इज एच माइनस
वन माइनस एच लिमिट लगाओगे तो ये वन माइनस जीरो वन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एनी डाउट? सर मुझे एक बार एच कैसे डाला मुझे समझा दो। हमने लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो कैसे लिया मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स को लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या पुट करते हैं ए माइनस एच। अगर एक्स ए को अप्रोच करेगा तो एच जीरो को अप्रोच करता है हमेशा। एक्स को हम ए माइनस एच रखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए रखा जाता है ए प्लस एच। अब राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट के लिए पुट करेंगे। ए प्लस एच एज एक्स अप्रोचेस टू एच अप्रोचेस टू जीरो, दिस इज लिमिट। निकाल के दिखाओ राइट हैंड लिमिट, सभी लोग निकाल के दिखाओ। जीरो आया, जीरो आया। एक्स से क्या रखोगे? ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये आएगा एच बचेगा। ए प्लस एच, ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ए ए। अनिरुद्ध, ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर ए होना चाहिए। जान, ए होना चाहिए। ए प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा ए, क्योंकि जैसे मान लो टू प्लस पॉइंट जीरो वन, ए अगर इंटीजर है तो ए होगा, तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2, यानी कि खुद इटसेल्फ यही नंबर आ जाएगा। क्या आएगा? इसको इससे कट कर देंगे, एच बचा, एच में लिमिट डालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। समझ आया? एच में अगर जीरो डालेंगे तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इम्प्लाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एंड जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो फंक्शन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूस। इम्प्लाइज एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस फॉर इंटीजर वैल्यूज। और इंटीजर्स, क्योंकि हमने एक इंटीजर लिया था राइट, और उस इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस आया। ए हमारा कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर था, कोई फिक्स इंटीजर नहीं था। इसका मतलब ये हर इंटीजर के लिए डिसकंटिन्यूस होगा। और बताओ। और सो 22 सेम पेज, कौन सा 22? Discuss the conjugate of cosine, cosecant, secant, cotan. किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है? ए कोई रियल नंबर है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइन ए एफ एक्स निकाल दो, या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो, क्या आएगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स के जगह कॉस एक्स है, एक्स के जगह क्या पुट करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ए माइनस एच। हाँ, तो ये क्या हो गया? लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एज एक्स अप्रोचेस टू ए, एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट कॉस ऑफ ए माइनस एच, कॉस ए माइनस एच। क्या होगा कॉस ए माइनस एच?
cos a cos a cos a cos h minus sin a sin h, ठीक है, h को जीरो डाल देंगे, यहाँ बचेगा cos of a into cos h, cos zero one होता है, minus sin a sin a sin h क्या होता है जीरो, तो ये सिर्फ cos ही इसका आंसर आएगा. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या होगा, वो भी इसी तरह से आएगा, cos ही आएगा, cos ही आ जाएगा. वहां पर आपको x को क्या डालना है, a plus h, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे a पॉइंट पे तो आएगी cos of a. दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ई, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया. फंक्शन क्या था, फंक्शन था हमारा cos a, cos a, ठीक है, कर लोगे. और 24 24 एफ एक्स गिवन, जान कहाँ चला गया, सुमन अच्छे प्रॉब्लम उसमें कैमरा ऑफ किया. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनटू साइन वन बाय एक्स एंड जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो. अनिरुद्ध लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, अनिरुद्ध लेफ्ट हैंड लिमिट साइन वन बाय जीरो तो नॉट डिफाइंड है, तो आई डोंट थिंक निकाल सकते हैं इसका. एक्स के साइन वन बाय एक्स, जीरो ही होगा, जीरो इनटू व्हाटएवर कुछ भी नॉट डिफाइंड हो तो जीरो ही होगा. जीरो क्या और नॉट डिफाइंड क्या, क्या है सर, तो साइन वन बाय जीरो तो वन बाय जीरो तो नॉट डिफाइंड होता है एंड साइन तो हर एक वैल्यू पे डिफाइंड होता है एंड एक्स का वैल्यू अगर आप जीरो डालोगे तो नो मैटर व्हाट नंबर आगे अगला वैल्यू भी जीरो ही होगा. तो एट ऑल वैल्यूज ऑफ x which is not equal to 0 तो उसका वैल्यू भी 0 ही आएगा. ये लिख दिया 0 स्क्वायर, 0 क्या पुट करोगे x को, 0 माइनस h, as x अप्रोचेस टू 0 h अप्रोचेस, h आल्सो अप्रोचेस टू 0, तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x स्क्वायर के जगह 0 माइनस h का होल स्क्वायर sin ऑफ 1 अपॉन 0 माइनस h, तो ये हो गया लिमिट h approaches to 0, h square. साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस बिगनिंग में लग जाएगा, साइन वन अपॉन h. अब ये क्या आ गया बच्चों, देखो साइन का आंसर होता है माइनस वन से वन के बीच में, साइन का एंगल कुछ भी हो, साइन का आंसर क्या होता है माइनस वन से वन के बीच में, और इनटू में मतलब ये एक फाइनाइट आंसर होता है, साइन कहीं भी इनफाइनाइट नहीं होता, इन्फिनिटी पे डिफाइंड है बट इनफाइनाइट नहीं है. तो ये हो गया बच्चों जीरो इंटू सम फाइनाइट नंबर, सम एच को मैंने जीरो डाल दिया, इंटू सम फाइनाइट नंबर बिटवीन माइनस वन एंड वन, ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू होती है माइनस वन से वन के बीच में, साइन की वैल्यू कहाँ होती है, माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है. साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन से वन के बीच में, माइनस वन और वन के बीच के नंबर फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जीरो आता है, इसलिए जीरो आएगा. सिमिलरली आर एच एल भी आएगी बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पे, देन निकालेंगे एफ ऑफ जीरो, वो तो दिया हुआ है जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गई, ठीक है, तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है.
और बताओ और 25 कौन सा 25 नेक्स्ट फेस पे जो फर्स्ट है 25 में तो कुछ है ही नहीं बेटा लिमिट निकालनी है सीधी सीधी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी बट x माइनस मैं बस जीरो डाल दूँ उसमें हाँ सर जीरो डाल के माइनस वन आएगी राइट हैंड लिमिट क्या आएगी राइट हैंड लिमिट आएगी वो भी माइनस वन ही आएगी फंक्शन की वैल्यू भी माइनस वन दे रखी है एक निकाल के दिखा देता हूँ मैं जैसे कि राइट हैंड लिमिट निकाल देता हूँ सर बस वैल्यू डालनी थी ना मतलब साइन जीरो कितना होता है कॉस जीरो कितना होता है हाँ बच्चों आर एच एल फाइंड कर रहे थे हम क्या होगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो जीरो पे निकालनी है ना साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो जीरो प्लस हो जाएगा और क्या पुट करेंगे एक्स को जीरो प्लस एच एक्स अगर जीरो इसको अप्रोच करता है जीरो को तो एच किसको अप्रोच करेगा जीरो को ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो साइन जीरो प्लस एच माइनस कॉस जीरो प्लस एच साइन जीरो प्लस एच क्या होता है साइन एच ही होता है कॉस जीरो प्लस एच कॉस एच ही आएगा अगर साइन जीरो माइनस एच होता तो साइन माइनस एच आता माइनस साइन एच हो जाता ठीक है और कॉस जीरो माइनस एच होता तो क्या होता माइनस कॉस एच होता प्लस कॉस एच हो जाता ठीक है साइन एच कॉस एच क्या आएगा बताओ साइन एच माइनस कॉस एच क्या आएगा जीरो माइनस वन जीरो माइनस वन आ जाएगा ठीक है फंक्शन की वैल्यू वन के ऊपर दे ही रखी है जीरो के ऊपर दे ही रखी है माइनस वन और ये क्या होगा क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आई थिंक अगर माइनस वन आती है तो कंटिन्यूस और अगर वन माइनस वन से अलावा कुछ और आती है तो डिसकंटिन्यूस ठीक है कार्तिक जी कार्तिक क्या म्यूट पे है क्या कार्तिक को आवाज नहीं आ रही समझ गया सर आप साथ साथ काम नहीं करते हो साथ साथ काम नहीं करते हो आप लोग आप पूरा एक एक क्लास को रिपीट करवा रहे हो कार्तिक है पूरा एक एक क्लास मतलब आप तो क्लास पढ़ाई आपने ध्यान नहीं दिया ये पूरी एक क्लास मैंने और यही क्वेश्चन करवाए थे सारे जो आप पूछ रहे हो ये पूरी एक क्लास है
आप पूरी ऐसे ऐसे नहीं होता करते कि डाउट और पूछना अलग बात है, पर आप ध्यान ना दे के डाउट पूछ रहे हो तो वो गलत है। ये पूरी एक क्लास जो मैंने अलग से यही उस पूरी क्लास में यही पर्टिकुलर क्वेश्चंस लास्ट के चार वाले होगा नहीं, और ये 25, 24 और 19 यही पूरा मैंने एक ही क्लास में करवाया था सारा। मतलब आपने उस पूरी क्लास को ध्यान नहीं दिया है ना, शायद होगा नहीं, मैंने दो क्लासेस मिस करी थी आज। मिस करते हैं तो बेटा बताओ, मैं रिकॉर्डिंग देखो फिर पूरी क्लास, ये पूरी क्लास एक ही मैंने इसी ऑर्डर में उस क्लास में पूरी क्लास में यही काम करवाया था। मैंने एक थ्योरम बताई थी कि एफ अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, जी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो एफ ऑफ जी भी कंटिन्यूस होगा। ये थ्योरम थी, एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, तो एफ ऑफ जी भी कंटिन्यूस होगा, समझे? इन 31, 32, 33 में से एक सम करवाता हूँ मैं आपको, 32nd करवा देता हूँ, ठीक है? देखो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, जी एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ एक्स, एच एक्स को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स। एच ऑफ जी निकालो, एच ऑफ जी निकालोगे तो क्या आएगा, एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स क्या है, कॉस एक्स, और ये क्या बन जाएगा, एच ऑफ कॉस कॉस एक्स क्या होगा बताओ जरा, मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स। एच ऑफ जी निकालेंगे तो ये आएगा एच ऑफ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स, राइट? एंड जी एक्स क्या है, देखो कॉस एक्स है, तो जी एक्स के जगह क्या डाल दिया, कॉस एक्स। अब हम फाइंड कर रहे हैं एच ऑफ कॉस एक्स, एच ऑफ कॉस एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग देखो एच ऑफ कॉस एक्स क्या होना चाहिए, एच ऑफ एक्स निकालते हैं तो मोड एक्स हो जाता है, एच ऑफ कॉस एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का मोड हो जाएगा, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, कॉस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, एज कॉस एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस, कॉस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब है कि ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, कोई भी पॉइंट आप लेंगे कॉस फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अनिरुद्ध है इधर? हाँ सर है। एज कॉस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, सो देयरफॉर अगर कॉस फंक्शन कंटिन्यूस है तो जी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, जी इज कंटिन्यूस फंक्शन, जी फंक्शन कॉस अगर कंटिन्यूस है तो जी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है? सेकेंड, मोड ऑफ एक्स, मोड एक्स भी कंटिन्यूस होता है, मोड एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, मोड एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, मोड एक्स क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, मोड एक्स इज कंटिन्यूस, सो जी एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस, मोड एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है तो एच फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब देखो जी कंटिन्यूस है, एच कंटिन्यूस है, एच कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, एच कंटिन्यूस है, तो इन दोनों से अगर कंपोजिट फंक्शन बनाया जाए दैट इज जी ऑफ एच, ये भी कंटिन्यूस होगा। क्यों? अभी हमने एक थ्योरम की है कि अगर एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, जी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम की थी हमने कि एफ ऑफ जी कंटिन्यूस होगा, उनका कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो एच और जी यहाँ पर दो कंटिन्यूस फंक्शन है, जी कंटिन्यूस है, एच कंटिन्यूस है, तो इनका कंपोजिट फंक्शन एच ऑफ जी कंटिन्यूस होगा, ठीक है? क्यों? कंपोजिट फंक्शन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, दिस इंप्लाइज एच ऑफ जी इज कंटिन्यूस, राइट?
दिस इंप्लाइज एच ऑफ जी इज कंटिन्यूअस. एच ऑफ जी कंटिन्यूअस है, व्हाट इट मींस? एच ऑफ जी देखो किसके बराबर है, मोड कॉस एक्स. और मोड कॉस एक्स क्या है, एफ एक्स. यानी कि दिस इज इक्वल टू एफ एक्स. एच ऑफ जी इज इक्वल टू एफ एक्स. एच ऑफ जी कंटिन्यूअस, इट मींस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस. दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस. ऐसे करना, समझ आया? ठीक है सर. ये बच्चे कैमरा ऑन क्यों कर लिया आप लोगों ने? मैं भी, बड़ी बोरिंग सी क्लास हो जाती है जब कैमरा ऑफ होता है. अनिल क्या हुआ? तो वाईफाई पर तो ठंडी ऐसी है. ओके लास्ट क्वेश्चन 34th. जहान आपको आता है लास्ट क्वेश्चन? हाँ सर आता होगा. बताओ फिर कैसे होगा. एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स माइनस वन. जहान मोड एक्स की डेफिनेशन बताओ. आपने तो दूसरे मेथड से किया था ना जहान ये? हाँ सर मैंने जो आप क्वेरी यूज करते उससे नहीं किया था मैंने. मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, कौन बताएगा? माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ये मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है. मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की डेफिनेशन क्या होगी कार्तिक? मॉड एक्स माइनस वन की डेफिनेशन बताओ. माइनस ऑफ ब्रैकेट एक्स माइनस वन इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड एक्स माइनस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो. ठीक है देखो ध्यान से एक मिनट. ये आपने एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो बताया. हाँ गलत. इफ एक्स माइनस वन इज लेस देन जीरो यानी कि एक्स इज लेस देन वन आएगा. और यहाँ पर आएगा इफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दैट इज इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन. तो यहाँ पर वन आना चाहिए करेक्ट. हाँ. देखो जो मोड एक्स फंक्शन है वो अपनी डेफिनेशन जीरो पे चेंज करता है. जीरो से पहले मोड एक्स की डेफिनेशन, मोड एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो से पहले मोड एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स और जीरो और जीरो के बाद मोड एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है एक्स. ठीक है अब दूसरे फंक्शन को देखो मोड ऑफ एक्स माइनस वन को. ये अपनी वैल्यू माइनस वन पे चेंज करता है माइनस वन पे. माइनस वन और उससे पहले माइनस वन से पहले मोड ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ एक्स माइनस वन. और माइनस वन एंड उसके बाद मोड एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है एक्स माइनस वन. ठीक है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध एक बात बताओ. हाँ सर. जीरो से लेस, जीरो से लेस मोड एक्स की वैल्यू क्या है? जीरो से लेस, जीरो से लेस यानी कि इस इंटरवल के लिए मोड एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स हमारा क्या है? एफ एक्स हमारा है मोड एक्स माइनस एक्स माइनस वन. तो जीरो से लेस मोड एक्स की वैल्यू क्या है सर? माइनस. इस इंटरवल के लिए मोड एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस एक्स है. तो मोड एक्स के जगह लिखोगे माइनस एक्स, बीच में ये माइनस का साइन और ये है एक्स माइनस वन. अच्छा इसी इंटरवल के लिए, सेम इंटरवल के लिए, सेम इंटरवल के लिए एक्स माइनस वन मोड की वैल्यू बताओ क्या? सेम इंटरवल के लिए एक्स माइनस वन मोड की वैल्यू बताओ. सर आई थिंक माइनस. ये रही इस इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू ये रही माइनस ऑफ, तो ये प्लस हो जाएगा एक्स माइनस वन. ठीक है एंड दूसरा अब इसके लिए बताओ जीरो से वन के लिए. उसके तो एक्स ही होगा. जीरो से वन के लिए एक्स. जीरो से वन के लिए क्या होगा? एक्स.
जीरो से वन के लिए बताओ सब x होगा आई थिंक क्योंकि आपने जीरो से वन के लिए क्या होगा मॉड x की वैल्यू क्या है देखो मॉड x की वैल्यू क्या है x है बीच में माइनस का साइन है और x माइनस वन की वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस वन की वैल्यू देखो कितनी है जीरो से वन के बीच में इस इंटरवल में क्या है माइनस ऑफ x माइनस वन तो प्लस x माइनस वन हो जाएगा ठीक है और जीरो के बाद यानी कि इस वाले इंटरवल के लिए इस इंटरवल के लिए मॉड x की वैल्यू क्या होगी देखो मॉड x की वैल्यू माइनस में इसी इंटरवल के लिए सेम इंटरवल के लिए इसकी वैल्यू देखो मॉड ऑफ x माइनस वन की वो क्या है x माइनस वन बीच में माइनस का साइन था देन x माइनस वन ये आएगा इसमें कुछ पूछना है तो बताओ जहान कार्तिके अब ये हो गया x x कट हो जाएगा ये माइनस वन बचेगा माइनस वन तब जीरो से लेस जीरो से माइनस वन के लिए देखो टू एक्स माइनस वन बन जाएगा जीरो इज लेस देन एक्स लेस देन माइनस वन एक मिनट बच्चों कुछ गड़बड़ हो गया सॉरी ये वन था माइनस वन नहीं था वन वन करो यहाँ पर ठीक है अच्छा और इसको ओपन करोगे तो ये कट हो जाएगा वन आएगा वन के बाद फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन इसकी वैल्यू वन आएगी अब आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर दो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इज इक्वल टू वन दो पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर दो ठीक है अब सर जो सेकंड वाली लाइन है वो टू एक्स माइनस वन नहीं आएगा क्योंकि कौन से वाली ये हाँ इसके ऊपर वाली अच्छा माइनस इसके ऊपर वाली माइनस वन छोड़ दिया वो टू एक्स माइनस वन आगे कर दोगे इसको हाँ हाँ और बताओ और दूसरे एक्सरसाइज में इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में भी एच लेके करना है ना कौन से क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन 9 और 10 मैंने आपको नहीं करवाए थे चलो अभी कर लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं देखो बच्चों हमने डिफरेंशिएशन किया है ना y = x² वगैरह ऐसे क्वेश्चंस का कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव जैसे कंटिन्यूटी में होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इसी टाइप से अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इंप्लाइज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल करेक्ट तो जब भी हमें ये शो करना हो कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है हम उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे देखो जरा एफ एक्स हमारा फंक्शन है यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन क्या दिए गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इफ एक्स बिलोंग्स टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इफ एक्स बिलोंग्स टू आर ठीक है हाँ सर